कहते हैं कि सियासत का कोई रंग नहीं होता। सियासत उस पानी के जैसे होती है जिसमें जैसा रंग डालो पानी वैसा ही हो जाता है। चुनावी बेला में कुछ ऐसे ही रंग देखे जाने आम हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं नेताओं की इधर से उधर जाने वाली बात की। इसी कड़ी में हमीरपुर से 3 बार सांसद रहे सुरेश चंदेल ने भी बीजेपी का भगवा रंग छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। यही नहीं, सुरेश चंदेल ने पार्टी बदलने के साथ ऊना में अपनी पूर्व पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर पर क्षेत्र की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी से 3 बार सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सहित भिन्न उच्च पदों पर रहे सुरेश चंदेल ने कांग्रेस में जाते ही भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चंदेल ने अनुराग पर तीखा हमला बोला। चंदेल ने कहा कि अनुराग ठाकुर ना ही जनता के संपर्क में रहे हैं और ना ही क्षेत्र की पंचायतों तक पहुंच पाए हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा संघ को आतंक की पाठशाला कहने के सवाल पर चंदेल ने आरएसएस का भी देश में अपना योगदान होने की बात कही। चंदेल ने कहा कि आरएसएस में उन्हें कई अच्छी बातें सीखने को मिली हैं जिन्हें वो कांग्रेस पार्टी में साझा करेंगे। मैं मानता हूं कि उनके कार्यकाल के बारे में पूरे लोकसभा क्षेत्र में सवाल हैं, उनकी संपर्क को लेकर के लोगों के मन में सवाल हैं, लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे तो उसके बारे में भी ऐसा लोगों को लगता है कि उनको अवॉइड किया गया मिलने से सुनने से। इस तरीके के सवाल बहुत हैं और कई बार उत्साह में उन्होंने ज़्यादा बातें कह दी जो पूरी नहीं हुई, जिनका उल्लेख कई बार आता रहा है कि बहुत सी बातें उन्होंने जैसे रेलवे लाइन के संदर्भ में हैं या और ऐसी बातें, तो निश्चित तौर पर जब बातें कह दी जाती है तो लोग उनको एक वायदे की तरह लेते हैं और जब वो पूरे नहीं होते तो लोगों के मन में गुस्सा भी उतनी ही मात्रा में प्रकट होता है। लोग बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई हम इतने सालों के अंदर सब पंचायतों को टच नहीं कर पाए, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ उनका धन और उनकी जो मूवमेंट है वो कहाँ होती रही, ये सवाल है। देखिए सभी नहीं कहते, आपने देखा होगा पिछले दिनों डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का कार्यक्रम में जाना हुआ, उन्होंने बयान दिया है। अलग अलग वहाँ कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें सम्मिलित हैं, सब अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि उस संगठन का भी देश के अंदर अपना योगदान है, मैं उनकी बहुत सी अच्छी बातों को नहीं नकारता, वो हमने ग्रहण किए हैं, हमें उसका फायदा हुआ है, तो हम उन बातों को और पार्टी में समझाने में सफल होंगे कि भाई ये अच्छी बातें उनको ग्रहण करना चाहिए कहीं से भी मिले। हमारे वेदों में कहा है कहीं से भी अच्छी बातें मिले उनको ग्रहण करो। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद ने खुद पर प्रश्न पूछे जाने के एवज में पैसे लेने के आरोपों को पूर्व सुनियोजित साजिश बताया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।